अब देखिए, इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना करके ये उसी की जगह नाम चेंज कर देती है और उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि एनजीओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, तो नहीं, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है और इसके अपने प्रॉफिट को ये प्रॉफिट नाम नहीं दे करके सरप्लस नाम देती है, और जो लॉस होता है उसको लॉस नहीं बोल के डिफिशिट बोलती है। तो ऐसा क्यों करती है? आप खुद सोचिए कि कोई ऑर्गेनाइज आपने एनजीओ खोला, तो आपका जब उद्देश्य ही प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो अगर कोई जो फायदा आपके पास जो पैसे बच गए हैं वो आपके लिए सरप्लस हुआ ना, तो उसको आप प्रॉफिट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आपका उद्देश्य ही प्रॉफिट कमाना नहीं होता है किसी एनजीओ का। तो ये सारी बातें आपको नोट करनी है अपने नोटबुक के अंदर। इसलिए जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सारे अब ये भी जो बनेगा, ये सारे एक्सपेंडिचर को डेबिट करेंगे, सारे इनकम को क्रेडिट साइड पे शो किया जाता है। हमने वो पढ़ा था ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिटेड, ये हमने पढ़ा था। ऑल एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और ऑल इनकम को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट साइड पे शो करते हैं। तो ऑल इनकम को हम लोग क्रेडिट कर देंगे, तो यही चीज़ें यहाँ पे शो होती है, समझ गए ना? तो ये देखिए, यही हो रहा है कि ऑल इनकम को क्या करना है, क्रेडिट, सारे इनकम को क्रेडिट साइड पे शो किया जा रहा है, ऑल इन एक्सपेंसेस को हम लोग डेबिट साइड पे शो करते हैं। तो कोई पूछेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर को किस बेस बनाया जाता है, तो इस लॉ के बेस पर बनाया जाता है। इस लॉ का नाम होता है नॉमिनल अकाउंट। जिस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उसी तरीके से हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, सिर्फ इसका नाम चेंज होता है। ठीक है, सिंपली बात, सारे इनकम को हम लोग क्रेडिट साइड पे शो करेंगे, सारे एक्सपेंसेस को हम लोग डेबिट साइड पे शो करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अब समझ में आ गया क्यों इनकम एंड एक्सपेंडिचर नाम दिया गया, क्योंकि ये प्रॉफिट कमाना उद्देश्य नहीं होता है, तो इसलिए इसका नाम चेंज कर दिया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और दूसरी चीज़ की प्रॉफिट कमाना उद्देश्य नहीं होता, इसलिए प्रॉफिट नहीं लिख करके यहाँ सरप्लस लिखते हैं, और यहाँ डिफिशिट लिखा जाता है। अब हम लोग सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे ये सैलरी। ये दूसरी चीज़ की, जो जिस तरीके से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, इस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनाया जाएगा, ये भी हम लोग जब बनाते हैं तो एक पार्टिकुलर ईयर का बनाते हैं। मान लीजिए कि ये बनाया जा रहा है 2019 का, मान लीजिए हम ये बना रहे हैं 2019 का, तो हमें ये 2019 का बना रहे हैं, तो हमें ये सोचना है कि ये 2019 से रिलेटेड जितने सारे खर्चे होंगे, जितने सारे इनकम होंगे, उसे हम लेंगे, और अदर देन 2019 को हम लोग छोड़ देंगे। सिंपली बात है ना? तो क्योंकि अगर मान लीजिए कोई एडवांस है, किसी ने आपको एडवांस दे दिया, तो उसे माइनस कर देंगे। किसी को आपने एडवांस दे दिया, तो उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि वो अगले साल के लिए चला जाएगा, इस साल के लिए नहीं है, है ना? तो यही सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे भी सोचते हैं। तो इसीलिए देखिए, जैसे सैलरी होती है, तो सैलरी अगर कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड है, तो उसे हम माइनस करते हैं। मतलब साल के अंत में अगर आपको शो ये हुआ कि आउटस्टैंडिंग सैलरी खर्चा बाकी रह गया है, तो इसका मतलब वो इसी साल का होगा। आप खुद सोचिए कि आप चल रहे हैं 2019 में, और आपने 31 मार्च को देखा कि अभी कुछ खर्चे हैं जो हमने सैलरी पे नहीं किए कुछ लोगों को, आ गया 31 मार्च, तो आप क्या लिखेंगे, साल के अंत में बाकी है। इसका मतलब क्या है कि इसी साल का बाकी होगा, तो इसीलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, ये इसमें प्लस करके शो करते हैं, क्योंकि हम ये इसी साल का बना रहे हैं 2019 का, तो इसीलिए हम इसको आउटस्टैंडिंग एट द एंड को हम लोग प्लस करते हैं। अगर क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग दिया हुआ होगा, तो उसे हम लेस कर देते हैं सैलरी में। जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग है एट द एंड तो प्लस किया, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग है तो उसे माइनस करेंगे। क्यों माइनस करते हैं? कि हमें शुरू में मिला होगा, अगर शुरू में आउटस्टैंडिंग है तो इसका मतलब वो पिछले साल का होगा, तो पिछले साल का होगा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस साल हमें तो 2019 का है और ये है 2018 का बिगनिंग। बिगनिंग मतलब 1 अप्रैल 2018 वाली जो बात होगी पिछले साल की, जो 31 मार्च 2018 का होगा, वो हम लोग 1 अप्रैल में यहाँ लेंगे 2018 में, और फिर 19 में चलेंगे। तो हमें तो 19 वाली चीज़ों को देखना है, 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 को देखना है। तो उससे पहले का जो होगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, बिगनिंग है, इसका मतलब ये पुराना होगा पिछले साल का, तो पिछले, क्योंकि वही हमारे लिए इस साल के लिए ओपनिंग बैलेंस बनता है, और वो ये क्या बनता है, करंट ईयर का हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको लेस कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे इस साल का नहीं है, और एंड वाला साल के हमें 31 मार्च 2019 को हमने देखा कि इतना रह गया, इसका मतलब ये हमारा इसी साल का होगा, इसीलिए हम इसको ऐड करते हैं और इसको माइनस करते हैं। उसके बाद इस तरीके से जिस जिस के साथ ये सारी, जैसे सैलरी लिखा है उस तरीके से रेंट लिखा हो सकता है, आउटस्टैंडिंग एट द बिंग, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग। उसके बाद अगर प्रीपेड है तो इसमें से हम माइनस कर देंगे, यहाँ प्रीपेड शो नहीं किया गया है, आपको शो कर अगर होगा, अगर प्रीपेड तो माइनस करें। जैसे इस तरीके से मान लीजिए यहाँ इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा है, और लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस प्रीमियम कुछ प्रीपेड है, ये चीज़ें बाहर में, और बाहर में लिखी हुई होगी,
तो हम लोग क्या करेंगे, वहां से इसको निकालेंगे और इसमें से लेस करके शो कर देंगे कि ये, क्योंकि प्रीपेड, प्रीपेड मतलब क्या होता है, एडवांस, आपने एडवांस पे कर दिया, इन द सेंस आपने अगले साल का पे किया होगा और हमें इसी साल का लेना है, तो करंट ईयर का इसी साल का लेना है, तो अगले साल वाली जो चीज़ें होंगी उसको हम माइनस कर देते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम यहाँ से माइनस करके शो करेंगे, क्योंकि हमें इसी साल का इनकम, इसी साल का एक्सपेंडिचर चाहिए, क्योंकि हमें इसी साल का प्रॉफिट निकालना है, ये सरप्लस निकालना है, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं। इस तरीके से जो भी चीज़ें होंगी उन सबको हम इसी तरीके से कंसिडर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, जितने सारे एक्सपेंसेस होंगे, जैसे यहाँ रेंट गिवेन है, अगर रेंट का आउटस्टैंडिंग एट द एंड होता तो ऐड करते, रेंट का आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग होता तो माइनस करते, जिस भी खर्चे का आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, प्रीपेड गिवेन होगा तो हम ऐसे ही अकाउंटिंग करेंगे। तो सिंपली आपको लिख लेना है कि आपको इस तरीके से अपनी कॉपी में बना लीजिए कि जैसे कोई भी एक्सपेंसेस हो तो उसे हम शो करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, अगर इंड वाला हो तो हम प्लस कर देंगे, माइनस करेंगे किसको, बिगनिंग वाले को, ठीक है। उसके बाद हम माइनस करेंगे अगर कुछ प्रीपेड होगा तो उसी खर्चे पे, और फिर हम क्या करेंगे, बाहर उसको शो कर देंगे। तो इस तरीके से आप अपनी कॉपी में इस तरीके से बना के लिख सकते हैं, ठीक है, कि किस किस चीज़ को प्लस करते हैं, किस किस चीज़ को माइनस करते हैं, क्यों करते हैं, उसे भी लिखने की कोशिश करिएगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, क्योंकि हमें याद नहीं करना है, हमें रटना नहीं, हमें समझना है, ठीक है। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की बात होगी, उसके बाद जितने सारे ऑनरेरियम है, टेलीफोन एक्सपेंसेस हैं, रिपेयर है, डेप्रिसिएशन है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्चर्स है, जो भी सारी चीज़ें हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे डालते थे वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएगी। एक चीज़ होता है मटेरियल यूज्ड और कंज्यूम से रिलेटेड, ठीक है, जितना आपने मटेरियल यूज़ किया, जैसे कि मान लीजिए आपके शुरू में आपके पास किसी ने कहा मटेरियल 1 लाख रुपए का था और लास्ट में बचा हुआ है आपके पास 20,000 रुपये का, इसका मतलब क्या हुआ कि 80,000 का मटेरियल आपने यूज़ कर लिया होगा। तो इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन गिवेन होगी कि शुरू की इन्फॉर्मेशन दे देगी कि शुरू में इतना इन्फॉर्मेशन मतलब स्पॉट मटेरियल इतना था, किसी भी चीज़ का मटेरियल बोल देगा कि आपके पास इतना था, और आपको लास्ट में आपको पता करना है कि कितना कितना है, कितना कितना नहीं। इसी तरीके से आपको क्या करना है, सारी चीज़ों को नोट करनी है ताकि हमें समझ में आए। तो ये यूज्ड वाली बात समझ में आ गई कि अगर मान लीजिए 1 लाख का मटेरियल था हमारे पास और लास्ट में बचा हुआ है कुछ ही, अब मान लीजिए कुछ परचेज किया है, क्वेश्चन ने आपको मान लीजिए ऐसे कहा कि आपके पास शुरू में 1 लाख रुपए का मटेरियल था, ठीक है, और बाद में आपने फिर मटेरियल परचेज किया है, तो इसका मतलब आपने मटेरियल परचेज किया मान लीजिए 2 लाख रुपए का, तो टोटल मटेरियल हो गया 3 लाख। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि लास्ट में मटेरियल जो आपके पास बचा है वो सिर्फ 2 लाख का मटेरियल बचा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लाख का मटेरियल आपने कंज्यूम कर लिया होगा तभी से 2 लाख का ही बचा हुआ है। तो उस कंज्यूम्ड और उस यूज्ड वैल्यू को हम लोग यहाँ पे शो करते हैं, क्यों, क्योंकि खर्चा तो उतना ही हुआ ना आपका। तो इसी तरीके से किसी भी मटेरियल के बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है, अगर हम लोग पढ़ेंगे स्टॉक से रिलेटेड चीज़ें, तो उसको हम लोग कंज्यूम वैल्यू को ही यहाँ पे शो करते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। आगे हम चलते हैं इसके अंदर कि हमें कैसे समझना है चीज़ों को, तो ये सारी चीज़ें थी, आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद है मुझे। आगे देखिए, अब आता है ये सब्सक्रिप्शन वाली बातें। अब सब्सक्रिप्शन वाली जो बातें आती हैं उसके अंदर हम लोग कैसे समझते हैं, सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा होता है, क्या होता है, हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना चंदा लेना, चंदा देना, यही होता है चंदा, इसे नहीं होगा तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अब ये एनजीओ है तो एनजीओ को सब लोग सब्सक्रिप्शन देते हैं ना, चंदा देते हैं कि अगर कोई सोसाइटी में आपके लिए अच्छा काम कर रहा है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई एनजीओ है तो उसको लोग सब्सक्रिप्शन देते हैं, चंदा देते हैं। तो चंदा अगर किसी भी इसको मिला तो उसके लिए क्या होगा, ये इनकम होगा उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब इसमें वही चीज़ें होंगी, अगर आउटस्टैंडिंग एट द एंड होगा तो उसको आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, चंदा, इस साल का जो चंदा होगा इंड का, क्यों हम लोग करंट ईयर वाली बात ही लेते हैं, इंड मतलब हमने साल के अंत में बंद कर रहे हैं तो उस टाइम देखा कि इतना चंदा आउटस्टैंडिंग है तो हम क्या करेंगे, उसको प्लस करेंगे कि हमारा है इसी साल का है, और कोई बिगनिंग है तो इसका मतलब पिछले साल का, इस साल मिला होगा तो वो हमारा इस साल का नहीं है तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक। इस तरह का आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग जो बात वही है, और लेस एट द एंड। अब हम लोग एक दो चीज़ें यहाँ पे ये होती है, ये एडवांस लिखा हुआ है तो पहले हम क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग के बारे में समझते हैं। तो आउटस्टैंडिंग अगर एट द एंड होगा तो उसको हम प्लस करते हैं क्योंकि इसी साल का है, चंदा मिलना इसी साल का बाकी है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, चंदा मिलना इसी साल का बाकी है, तो
तो हमने क्या किया, यहाँ प्लस कर दिया। लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग एट द एंड नहीं है, बिगिनिंग है, मतलब पिछले साल का बाकी है, तो इसका मतलब वो इस साल का नहीं है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, लेस कर देंगे। ठीक इस तरह एडवांस के केस में उसका उल्टा हो जाता है। एडवांस हम लोग क्या करते हैं, एडवांस एट द बिगिनिंग। अगर आपको शुरू में एडवांस मिला तो इसका मतलब 2018 में किसी ने आपको एडवांस दिया तो वो 2019 के लिए दिया होगा ना, तो मतलब वो हमारा इसी साल का हुआ, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको प्लस करते हैं, क्योंकि ये हमारे इस साल का है, इनकम है। लेकिन अगर हमें किसी लास्ट में, हम 31 मार्च को अपना अकाउंट बंद कर रहे हैं, किसी ने हमें एडवांस दे दिया कि भैया 2020 के लिए रख लीजिए, तो हम क्या करेंगे, 2020 के लिए अगर हमें ये दे रहा है तो ये हमारे लिए एडवांस हुआ, इस साल का नहीं है, मतलब 2019 का नहीं है हमारे लिए, तो इसको हम माइनस कर देंगे। इसको हम लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट के तरह से भी हम लोग बनाते हैं, अभी नेक्स्ट पेज पे उसे ही समझने की कोशिश करेंगे। दो मेथड होता है, या तो आप इस तरीके से बना लीजिए, या आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाइए और माइनस प्लस करके जो बचेगा उसे आप यहाँ शो कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, ये सब प्लस और माइनस करके जो बचता है उसे यहाँ पे शो कर देते हैं, ये हमारा सब्सक्रिप्शन निकल के आ जाता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमेशा आपको क्वेश्चन के बाहर गिवेन होगी, ठीक है, तो इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद और जितनी सारी इंट्रांस फी इनकम है, मतलब ये फी रिसीव्ड हो रहा है, ये इंट्रांस फी कहाँ रिसीव्ड होता है, एडमिशन फी। जैसे मान लीजिए कोई क्लब है, हमेशा कोई प्रोग्राम करवाता है, तो क्लब का मतलब क्या है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब वो एनजीओ है, लोगों को इंटरटेनमेंट के लिए या किसी और चीज़ के लिए। तो अगर वो कुछ 100 रुपये, हमेशा 200 रुपये इस तरीके से फीस चार्ज करता है, तो क्लब के लिए क्या होगा, इनकम। और ये हमेशा हम लोग किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाते हैं, तो हमें ऑर्गेनाइजेशन के व्यू से सोचना है, ये सारी बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसका मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन के व्यू से आपने सोचा तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी। अब आपको अगर आप ऑर्गेनाइजेशन, एक मान लीजिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्लब है, जो कुछ कराने का काम करते हैं, तो ये आपके लिए क्या होगा, इंट्रेंस फी इनकम होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इनकम है तो क्रेडिट साइड पे शो करेंगे। अब ऐसे भी सोचना है कि इनकम को हम लोग क्रेडिट साइड पे क्यों शो करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है क्या, ऑल इनकम इन जनरेटेड। और अब हम लोग एक चीज़ और नेक्स्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट ही क्यों करते हैं, एसेट्स घटता है तो क्रेडिट ही क्यों करते हैं। जी इस तरीके से यहाँ जैसे ऑल इनकम एंड गेन को हम लोग यहाँ पे क्रेडिट ही क्यों करते हैं, और ऑल इनकम एक्सपेंडिचर और डेबिट ही क्यों करते हैं। अगर आप लोग इस तरीके से वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं इसे एक्सप्लेन करूँ आप लोगों के सामने। ये लोग सब लोग ऐसे समझते हैं कि ये लॉ है, एक्चुअल में ये लॉ नहीं है, ये लॉजिकल है। आपको बस एक बार समझ में आ गया तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। आगे चलते हैं हम लोग, डोनेशन अगर मिला किसी क्लब को, इनकम उसके लिए। इस तरीके से कोई ओल्ड न्यूज़पेपर है, स्क्रैप हो जाता है, हम लोग बेचते हैं, उससे कुछ पैसा आया तो वो भी इनकम होगा उसके लिए। हॉल का रेंट मिला, मान लीजिए कि कोई आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ, जो हॉल प्रोवाइड करती है लोगों को प्रोग्राम वगैरह करने के लिए, तो उसका हॉल का रेंट अगर उसको मिलता है उसके लिए एक दिन का, मतलब कुछ भी 10,000 12,000, तो वो उसके लिए इनकम हो जाएगा। उसके बाद कोई आपने इस पुराना फिक्सचर्स कोई रखा हुआ तो उसको बेचा, या नया जो भी है उस पर प्रॉफिट हुआ तो वो भी आपके लिए इनकम होगा, तो उसे हम लोग क्रेडिट साइड पर शो करेंगे। इस तरीके से सन्ड्री रिसिप्ट, किसी भी और तरीके का रिसिप्ट होगा तो उसे हम लोग यहाँ पे शो कर देंगे, क्योंकि इनकम है हमारे लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इसको सारे इनकम साइड को जोड़ेंगे और फिर हम देखेंगे किधर ज़्यादा है। अगर इनकम साइड ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर साइड कम है, तो जो बैलेंस आएगा वो हमारे लिए क्या आ जाएगा, सरप्लस। यहाँ वही चीज़ जो प्रॉफिट होती थी उसको हम लोग क्या कहते थे, सरप्लस, ठीक है। ठीक इस तरीके से डेफिसिट की बात आएगी, तो डेफिसिट का मतलब अगर आप खुद सोचिए कि अगर खर्चा ज़्यादा कर दिया आपने, इनकम कम है तो लॉस होगा, लॉस मतलब डेफिसिट। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, खर्चा ज़्यादा है तो इस साइड लिखेंगे हम उसको, जैसे हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में करते थे वैसे यहाँ लिखेंगे, और फिर ये हमारे लिए क्या आएगा, लॉस, तो इसे हम यहाँ पे शो कर देंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, इस रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे, हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो सिंपल सी बात है, हमें क्या सोचना है कि ये एक एनपीओ है, एनपीओ के अकाउंटिंग हम लोग इस तरीके से करते हैं, इसका नाम प्रॉफिट लॉस अकाउंट की तरह ही बनाते हैं। कभी कभी इसमें दोनों में डिफरेंस भी पूछ दिया जाता है, इनकम आप लोग अपनी बुक में देखेंगे ऐसा दिया हुआ होगा, तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि एनजीओ होता है, मतलब नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टाइप होता है, जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता, इसलिए इसके सिर्फ नाम चेंज होते हैं, बाकी सब कुछ वैसे ही होता है, ठीक है, जैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम लोग करते थे।